स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। क्लास टेंथ में आप लोग पढ़ रहे हैं पोएट्री सेक्शन और आपकी दो पोएम शुरुआती जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली पोएम द फाउंटेन और दूसरी पोएम द सन ऑफ लाइफ। इसके बाद आपकी तीसरी पोएम है द विलेज टाउन माने गांव का एक गीत। तो इसकी पोएट हैं सरोजिनी नायडू, बल्कि उनको हम पोएटेस कहेंगे। कवित्री हैं सरोजिनी नायडू और उन्होंने एक पोएम लिखी है द विलेज टाउन। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची और उसके बीच एक छोटी सी बच्ची और उसकी माँ के बीच एक संवाद किया गया है, मतलब बातचीत की गई है और वही संवाद को उसी बातचीत को कविता का रूप दे दिया गया है। तो जो तो बच्ची की माँ है वो लड़की को सांसारिक बंधनों में बांधना चाहती है, उसका विवाह करना चाहती है, उसे तमाम तरीके के प्रलोभन देना चाहती है, अर्थात उसको उसके कर्तव्य बोधों की याद दिलाती है कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य है। लेकिन दूसरी तरफ बच्ची जो है वो नेचर से अट्रैक्ट है, आकर्षित है, वो कटक की गोद में रहना चाहती है, वो निर्जर झरनों सुनसान जंगलों और प्रकृति की गोद में अपना समय बिताना चाहती है। तो दोनों के बीच जो संवाद है उसी को कविता का रूप दे दिया गया है। और कविता शुरू करने से पहले इसकी जो समरी है आपके द पोएम आपकी बुक में लिखी है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, उसे आप खोल लें, पहले उसको पढ़ा दिया जाए, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं पोएम। तो पेज नंबर 78 पे आपकी पोएम थर्ड है, आपकी पोएम थर्ड द विलेज टाउन, और पेज नंबर 79 आप खोल के रखें और देखें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। और इससे पहले कि पोएम शुरू करें आप थोड़ा जान लें पोएट्री के बारे में। तो लिखा हुआ है सरोजिनी नायडू वाज बॉर्न इन 1879। सरोजिनी नायडू का जन्म 1879 में हुआ था और उनके पिता का नाम था डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। इनके पिता का नाम था डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं। और श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की सॉरी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी रही हैं। तो ये जान लिया आपने सरोजिनी नायडू जी के बारे में। और अब आप जानिए पोएम अबाउट द पोएम, अर्थात पोएम में क्या कहा गया है। तो लिखा है पोएम इज ए डायलॉग बिटवीन मदर एंड डॉटर। तो पोएम माने कविता, ये माने है एक डायलॉग माने एक संवाद, बिटवीन माने के मध्य, मदर माने माँ एंड डॉटर माने उसकी पुत्री के मध्य। तो कविता एक माँ और उसकी पुत्री के बीच एक संवाद है। नेचुरल फेनोमेनन प्रोवाइड द एवरलास्टिंग ब्यूटी एंड सेटिस्फाइज ऑल ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड डिजायर। तो नेचुरल माने प्राकृतिक और फेनोमेनन माने वातावरण, प्रोवाइड माने उपलब्ध कराता है, द इवर लास्टिंग माने कभी समाप्त ना होने वाला, ब्यूटी माने सुंदरता। तो प्राकृतिक वातावरण कभी ना समाप्त होने वाली सुंदरता उपलब्ध कराता है एंड सैटिस्फाइड और संतुष्ट करता है आर ह्यूमन क्यूरियोसिटी प्रत्येक मानव की उत्सुकता को एंड डिजायर माने इच्छाओं को। तो कहता है कभी कि प्राकृतिक वातावरण कभी ना समाप्त होने वाली सुंदरता उपलब्ध कराता है और वो प्रत्येक मनुष्य की उत्सुकता और उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करता है। मदर वांट्स हर डॉटर टू प्रिपेयर फॉर अ मैरिज। तो माँ चाहती है कि उसकी पुत्री शादी के लिए तैयार हो जाए, बट द विलेज मैडम इज नॉट वरीड अबाउट ऑल दिस। लेकिन जो गांव की वो छोटी सी लड़की है वो इन सांसारिक बंधनों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। एज शी इज अनविलिंग टू शेयर प्लेजर एंड पेन्स ऑफ मैटरनिस्टिक वर्ल्ड। एज माने क्योंकि ही इज अनविलिंग व अनिच्छुक है टू शेयर माने बांटने के लिए, प्लेजर माने सुख एंड पेन्स माने दुख ऑफ मैटरनिस्टिक माने भौतिक वर्णन संसार के, क्योंकि वह छोटी सी लड़की भौतिक संसार के सुखों दुखों के झंझट में पड़ना नहीं चाहती है, अर्थात वह सांसारिक मोह माया को त्याग देना चाहती है।
सीन शान बाय फॉरेस्ट नोट्स एंड इज प्रिपेयर्ड टू सेट फॉर टू ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो सीन शान बाय फॉरेस्ट नोट्स वह जंगलों की ध्वनियों से या वह जंगलों के स्वरों से या वह जंगलों से आने वाले स्वरों से बहुत ज्यादा आकर्षित है और तैयार है वहां जाने के लिए। तो आप जब माने देखने के लिए ब्यूटी ऑफ नेचर माने प्रकृति सुंदरता को, तो वह जंगलों से आने वाली जो ध्वनियां हैं या जो जंगलों से आने वाले स्वर हैं उनसे बहुत आकर्षित है और वहां की सुंदरता को देखने के लिए जंगलों को जाने के लिए तैयार है। तो ये आपकी समरी है पोएम की। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस कविता में एक माँ और उसकी बेटी के बीच वार्तालाप हो रहा है। माँ चाहती है कि उसकी बेटी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करे, अर्थात जो सांसारिक कर्तव्य होते हैं मनुष्य के उनका निर्वहन करे, लेकिन जो लड़की है वो सांसारिक बंधनों में झंझटों में नहीं पड़ना चाहती है और उसका कहना है कि जंगलों से उठने वाले स्वर उसे आकर्षित कर रहे हैं और वह जंगलों में जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको निहारने के लिए, उसको देखने के लिए जंगलों को जाने के लिए तैयार है। तो शुरुआती दो स्टेंजाज आपके सामने बोर्ड पे लिखे गए हैं और जो दो स्टेंजाज रह जाते हैं वो समझाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखें सबसे पहले पहला स्टेंजा तो लिखा है हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। हनी का मतलब यहाँ पे है प्यारी, चाइल्ड माने बच्ची, हनी चाइल्ड माने प्यारी बच्ची। तो प्यारी बच्ची वेदर, ये वेदर का मतलब है यहाँ पे वेदर माने कहाँ, आर यू गोइंग माने जा रही हो तुम। तो माँ अपनी बच्ची से प्रश्न करती है कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, वुड यू पैस योर जर्नल, आर यू द ब्रियर गोइंग, गुड माने क्या, यू माने तुम, कैश माने डाल लोगी, योर माने अपने, ज्वेल माने गहने, आल माने सभी, टू द ब्रियर ब्लोइंग बहती हुई हवा में। तो माँ अपनी बच्ची से कहती है कि क्या तुम अपने सारे गहने चलती हुई हवा में इधर उधर फेंक दोगी, डाल दोगी, क्या तुम अपने सारे गहने या आभूषण बहती हुई हवा में इधर उधर गिरा दोगी, फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रे हैज फेड यू, वुड माने क्या, यू माने तुम, यू माने छोड़ दोगी, द मदर माने माँ को, क्या तुम अपनी उस माँ को भी छोड़ दोगी, हु माने जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन जिसने, गोल्डन माने स्वर्णिम और ग्रेन माने अनाज, हैज फेड यू तुम्हें खिलाए हैं, ये जिसने स्वर्णिम अनाजों को खिलाकर तुम्हें पाला है। तीसरा प्रश्न करती है उसकी माँ क्या कि क्या तुम अपनी उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने स्वर्णिम अनाज तुमको खिलाए हैं या जिसने तुम्हें अच्छे अच्छे व्यंजनों को खिलाया है या अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खिलाए हैं। या तो गोल्डन ग्रेन का मतलब है अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ। और आगे लिखा है गुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, गुड माने क्या, यू माने तुम, ग्रीव माने दुख दोगी, कष्ट दोगी, द लवर माने उस प्रेमी को, हु माने जो इज राइडिंग फॉर, जो राइडिंग माने सवार होकर आ रहा है और कायर सवार होकर आ रहा है घोड़े पे। तो हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस प्रेमी को भी कष्ट दोगी या दुख दोगी जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। तो स्टूडेंट ये चार लाइनें इनको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। तो माँ अपनी बेटी से प्रश्न करती है हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, वुड यू कास्ट योर जेल आर यू द ब्रिजेस ग्रोइंग, क्या तुम अपने सारे गहने चलती हुई हवा में इधर उधर बिखेर दोगी, गिरा दोगी, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, और क्या तुम अपनी उस माँ को भी छोड़ के चली जाओगी जिसने अच्छे अच्छे व्यंजनों को खिलाकर तुमको पाला है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, और क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी कष्ट पहुंचाओगी, दुख दोगी जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। ये बात कहती है बच्ची की माँ उसे, और अब बच्ची जवाब देती है दूसरे स्टेंजा में। तो लिखा है
मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मदर माने माँ, माइन माने मेरी, तो मेरी माँ टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड फॉरेस्ट माने जंगलों में, आई एम गोइंग माने मैं जा रही हूँ। तो बच्ची अब अपनी माँ को जवाब दे रही है कि माँ मैं घने जंगलों में जा रही हूँ, या घने जंगलों की ओर जा रही हूँ। वेयर माने जहाँ, अपान माने मैं, द चंपा माने चंपा के, बोल माने टहनियाँ, द चंपा बर्ड, बर्ड माने कलियाँ आर ग्रोइंग, हवा में हिल डुल रही हैं। तो बच्ची कहती है कि मैं उस घने जंगल की ओर जा रही हूँ जहाँ जहाँ चंपा की टहनियाँ और कलियाँ हवा में हिलती डुलती हैं या हवा में हिल रही हैं। टू द टॉयल हार्टेड रिवर आई गो वेयर लोटस लीव्स डिसेंड। और बच्ची कहती है कि मैं उस स्थान पे जा रही हूँ, टू द कोयल हंटर, कोयल हंटर माने निर्जर स्थान पे, और रिवर आइडल माने द्वीप समूह, तो मैं निर्जर द्वीप समूह पर जा रही हूँ। वेयर माने जहाँ, लोटस माने कमल, लिली माने कुमुदिनी, ग्लिटर माने चमकते हैं, खिलते हैं। तो बच्ची जवाब देती है कि मैं उन निर्जर डरावने द्वीप समूह पर जा रही हूँ जहाँ पर कमल और कुमुदिनियाँ खिलती हैं या चमकती हैं। द वॉइसर ऑफ द फेरिस ऑफ आर कालिनी ओलिसन। बच्ची कहती है द वॉइसर माने आवाजें, ऑफ द फेरिस ऑफ परियों की, फेरिस ऑफ माने परियों की लोक कथाएं, तो परियों की लोक कथाओं की आवाजें आर कालिनी मुझे पुकार रही हैं, ओलिसन अरे सुनिए। तो परियों की लोक कथाओं की आवाजें मुझे पुकार रही हैं, ओ लिसन हे माँ तुम भी सुनो। तो किसी संज्ञा में बड़ा देख रहे हैं आप, तो मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। छोटी बच्ची अपनी माँ को जवाब देती है कि हे माँ मैं घने जंगलों में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोल्स द चंपा बर्ड आर गोइंग, ऐसे स्थानों पर जा रही हूँ जहाँ चंपा की टहनियाँ और चंपा की कलियाँ हवा में हिल डुल रही हैं। टू द कोई हार्टेड रिवर आइल वेयर लोटस लीव्स ग्लिटर, मैं ऐसे निर्जर भयानक या डरावने द्वीप समूह पर जा रही हूँ जहाँ पर कमल और कुमुदिनियाँ खिलते हैं या चमकते हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेयरी फॉक आपका आर कालिनी ओलिसन, परियों की लोक कथाओं की आवाजें या परियां, जंगलों में रहने वाली परियां मुझे पुकार रही हैं, ओ लिसन हे माँ आप भी सुनिए। स्टूडेंट ये रहे आपकी शुरुआती दोस्त एंजाज, और इसके बाद लास्ट के दोस्त एंजाज हैं वो समझाएंगे आपको कल के वीडियो में। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे प्रकार पढ़ते रहें, साथ साथ जो पीछे पढ़ाया गया है उसका भी रिवीजन करते रहें। अगर इस एंजाज में कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।